चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज है छोटी दीपावली, तो आप सबको हमारी तरफ से छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रात को, मतलब अभी आज तो बैंक की छुट्टी नहीं है, इसलिए जब बैंक बंद हो जाएगा उसके बाद रात को हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं देहरादून के लिए, क्योंकि कल है बड़ी दीपावली और इस पर्स ने बोला है कि उसे बड़ी दीपावली के दिन देहरादून में ही होना है, उसे दिन बर्बाद नहीं करना, क्योंकि बड़ी दीपावली के दिन आपको पता ही होगा बहुत सारे काम होते हैं घर में। ये तब तक मैं करूँगी पैकिंग, क्योंकि पैकिंग भी नहीं करी है मैंने, अभी मैं पैकिंग करना स्टार्ट करती हूँ। सिम्बा की भी पैकिंग करनी है, खुद की भी पैकिंग करनी है, और सिम्बा को टैबलेट भी खिलानी है ताकि वो रस्ते में वॉमिटिंग ना करे। तो अभी बहुत सारे काम हैं तो वो निपटाते हैं। ये आराम से सो रहे हैं सुबह से, यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से उठ करके घूमा फिरा सब कुछ, अब फिर सो गया है। तो अभी बज चुके हैं दिन के 12:30, पैकिंग हमारी हो चुकी है। ये देखो, ये है सिम्बा का बैग, इसमें है सिम्बा का खाना, और ये है हमारा सूटकेस, हम तीनों का ये हो चुका है रेडी। चप्पल रखनी है ये, ठीक है, शूज़ पहन के जाना, याद दिला देना आपकी भी और पापा की भी। और ये भी हो चुका है रेडी, दवाई ववाई सब पी पा के, खाना खा के शादी करनी कर लेते आपस में, शादी करनी कर लेते। टिंकू भैया हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ठीक है अमन भैया, बाय, ठीक है बाय बाय, हैप्पी दिवाली, ठीक है टिंकू भैया, हैप्पी दिवाली, हाँ दादी भी लड़ाओ, बाय बाय, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बाय बाय, हैप्पी दिवाली। अरे ये तो हमारे साथ जा रहे हैं, चलाने ठीक है, आराम आराम से जाए, बाय बाय। तो हम लोग निकल रहे हैं एकेश्वर से देहरादून के लिए छोटी दिवाली वाले दिन, और हमारे साथ आज एक नए पर्सन है अमन भैया, वो भी जा रहे हैं हमारे साथ, और मैं भी, और सिम्बा भी, सिम्बा भी। फ्रेंड्स, मम्मा सिम्बा को अजीब सो रहे थे तो मम्मा घुमाने ले गई, अभी थोड़ी देर ऐसी, शाम भी हो चुकी है, अभी मम्मा उधर तक गई है, मैं मम्मा के पास आता हूँ। मम्मा टॉयलेट वॉलेट करी इसने कुछ, कल ही क्या करी? अच्छा तो चलो चलते। तो हम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं गुमखाल से थोड़ा आगे, क्योंकि सिम्बा ने उल्टी कर दी थी, गाड़ी साफ कर दी है, फिर मैंने मुंह में थूक लिया और थूक दिया, और थोड़ा सा सिम्बा भी फ्रेश हो जाएगा फिर हम चलेंगे। यहाँ इस समय हम रुक रखे हैं गुमखाल से थोड़ा आगे, जो अपनी फेवरेट जगह था, गाड़ी में इसको गाड़ी में करने से उससे अच्छा लगता है ऐसे करके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दुगड्डा में, और ये वही वाला स्रोत है यहाँ पर से हम पानी भर के ले जाते हैं जब आए थे। देखो आज शाम के समय यहाँ पे लाइटिंग लगा रखी है अलग अलग कलर की, कितना खूबसूरत लग रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार, इतना ट्रैफिक हो रखा है आज यहाँ दीपावली की वजह से, भीड़ है बहुत ज़्यादा, लोग खरीदारी करते हैं। तो अभी हम गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं, फुल करवा रहे हैं टंकी, साड़ी की टंकी फुल करवा ली है, और हम निकल रहे हैं कोटद्वार से। तो हम लोग कोटद्वार से अब निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। तो अभी हम हैं नहर वाले रास्ते पे, बहुत देर के बाद हम लोग रुके हैं नहर वाले रास्ते से आगे एक चाय की टपरी पे, और सिम्बा को हमने बांध दिया है यहाँ पे। पकौड़ी कौन खाएगा? हम खाएंगे, चाहिए एक प्लेट बहुत है। ये भाई साहब ने पकौड़ी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, हम लोग रुके हैं यहाँ पे। अरे क्यों कर रहे इतनी तेज, वो पलटा गर्म हो जाएगा ऊपर।
वो तो डर रहा था। अरे बम नहीं है, वो फटेगा वो। इस पर आग चला रहा है, देखो ये भट्टी में आग लगा रहा था। वाह, ये आगे गर्मा गर्म पकौड़ी। ये है कुल्हड़ वाली चाय। तो अभी हम यहाँ पे रुक के कुल्हड़ वाली चाय और पकौड़ी खा रहे हैं। तो ये देखो शेरा वाली माता जी हरिद्वार जाने से पहले दिखती है हमेशा। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार